हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ये नोटिफिकेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, एमएड और अदर मास्टर कोर्सेज के जो एग्जामिनेशंस 20 अप्रैल से शुरू होने थे यानी कि ट्यूसडे से, तो वो अभी के लिए कैंसिल है और पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब जो आपके एग्जाम्स होंगे वो 1 मई से स्टार्ट होंगे और ऑनलाइन मोड में रहेंगे, जबकि जो 20 तारीख से एग्जाम की डेट शीट आई थी वो ऑफलाइन मोड की आई थी, तो वो अब आपकी कैंसिल हो गई है। एंड आपकी पोस्टपोन डेट शीट आएगी जो कि आपके एग्जाम्स 1 मई से स्टार्ट होंगे, ऑनलाइन मोड में आपके एग्जाम्स रहेंगे। ये जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही दे दी गई थी हमारे चैनल पे। सो सूत्रों के हवाले से खबर थी कि एग्जाम्स जो हैं वो आपके ऑफलाइन मोड में नहीं होंगे, कैंसिल होंगे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट इज हैपनिंग इन हरियाणा एंड नियर बाई स्टेट्स। तो कोविड के कारण ये एक फैसला लिया गया है। अब देखिए किस तरह से आपके एग्जाम होंगे। कोई एमसीक्यू एग्जाम नहीं है अभी तक, ये कोई गाइडलाइन नहीं है, थ्योरी पेपर ही आपका होगा। और किस तरीके से होगा तो उसके बारे में पहले ही नोटिफिकेशन आ गया था वेबसाइट पे। तो जाहिर सी बात है, उसी अगर किसी चीज़ के लिए गाइडलाइंस आ जाती हैं कि ऑनलाइन पेपर कैसे होना है, तो ऑब्वियसली आपकी ऑफलाइन की डेट शीट भी बिल्कुल कैंसिल होगी, जैसा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी गई थी और वैसा ही हुआ है। तो अब ऑफलाइन मोड में कैसे एग्जामिनेशन होंगे तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, एंड क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, किस तरह से प्रॉपरली एग्जाम होंगे और किस तरह से आपको आंसर्स अटेंड करने हैं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो मेक श्योर आप वो लिंक पे जाकर A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लें कि किस तरीके से आपको आंसर बुकलेट यूज़ करनी है, कैमरे की पोजीशन क्या रहेगी, एंड पर्टिकुलरली किस तरह से आपको PDF बना के सबमिट करना है। तो वो सभी आपको 2 वीडियोस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा दोनों का लिंक, तो वो दोनों आप ज़रूर देख लें। सो यहाँ पे ID पासवर्ड वगैरह काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं कि किस तरीके से आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस रहेंगे, तो एक बार पढ़ लेते हैं विस्तार से एंड देन एक एक पॉइंट समझेंगे। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ रेगुलर रीअपियर इम्प्रूवमेंट टू प्रोवाइड देयर डाटा इन द बिलो मेंशन फॉर्मेट टू द प्रिंसिपल डायरेक्टर HOD दैट इज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट वेयर देयर एग्जामिनेशन सेंटर्स हैज बीन सेटअप अप टू 25/4/2021। 25 अप्रैल तक आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है, किसको, अपने कॉलेज में दे दें, दैट्स वेरी, या इंस्टीट्यूट में दे दें, दैट्स इनफ। सो ऑल्सो द स्टूडेंट शॉल सबमिट अ कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड इन दी कंसर्न एग्जामिनेशन सेंटर थ्रू ईमेल। तो ईमेल के माध्यम से आप ये भी भेजेंगे। सो रोल नंबर अपना, देन नेम ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, नेम ऑफ द कोर्स, सब्जेक्ट नेम, देन क्वेश्चन पेपर की ID, ऑथेंटिकेटेड ईमेल ID, मोबाइल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। तो देखिए अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें, वो पर्टिकुलरली आपको बता देंगे ये प्रोसेस आपको कैसे करना है। खुद ही ना करें, कॉलेज से बिल्कुल पूछें, और जैसे आपका कॉलेज फॉलो कर रहा हो हर स्टूडेंट के लिए उसी तरह से आपको भी ये करना है। द पासवर्ड प्रोटेक्टेड क्वेश्चन पेपर इन PDF फाइल फॉर्मेट विल बी सेंट ऑन द ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी। तो कोई ईमेल आईडी जो आपको मिलेगी, आपको उस पे अपना पर्टिकुलरली द पासवर्ड ऑफ द प्रोटेक्टेड क्वेश्चन पेपर इन PDF फाइल फॉर्मेट विल बी सेंट ऑन द ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी। जो आप ईमेल आईडी देंगे, आप नहीं, जो कॉलेज और इंस्टीट्यूट की होगी, आधे घंटे पहले वहां पर आ जाएगा शुरू होने से पहले, एंड देन दे विल सर्कुलेट द क्वेश्चन पेपर्स। तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ने इसी पैटर्न में पहले एग्जाम लिया है, लाइक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का ये उन्होंने सबसे पहले लिया था एंड बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट भी हुए थे। देन द पासवर्ड ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी कम्युनिकेटेड ऑन द सेम ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी 15 मिनट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। 15 मिनट पहले जो वो PDF होगा उसका पासवर्ड आपको पता चलेगा। द स्टूडेंट्स परमिटेड टू अपियर इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन शॉल हैव फॉलो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज द एनेक्शर 1 क्लोज। द एनेक्शर 1 को डिटेल में पढ़ लेंगे। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर्टिकुलरली थ्योरी एग्जामिनेशन, नो MCQ। द ऑनलाइन थ्योरी, दिस इज मैंशनड अगेन, द थ्योरी एग्जामिनेशन ऑफ द ऑल प्रोग्राम शॉल बी 3 आवर्स ड्यूरिंग, 3 घंटे का रहेगा आपका। हाउएवर द स्टूडेंट शॉल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस कैरिंग इक्वल मार्क्स। इन केस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैव अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स एज इन केस ऑफ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बी फार्मेसी एटसेट्रा, द स्टूडेंट शॉल बी रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट एज मेनी पार्ट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चंस ऑफ देयर चॉइस दैट कॉन्स्टिट्यूट मैक्सिमम मार्क्स। द नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी हैं तो ये बिल्कुल पढ़ लें आप, एंड इट इज़ वेरी
important. Last point for the purpose of evaluation, the answer sheet shall be sent by the colleges to the concerned nodal centers. ये विस्तार से आपको आपके कॉलेज वाले ब्रीफ कर देंगे इसके बारे में. सो कॉलेज में एक बार फोन करके अच्छे से जानकारी ले ले व्हाट द प्रोसीजर योर कॉलेज इज पर्टिकुलरली फॉलोइंग. सो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड इन द ऑनलाइन मोड एज वर हेल्ड लास्ट ईयर. तो मतलब ऑनलाइन ही होगा, ऐसे ही पहले भी लिया गया था बीएड में भी एमएड में भी. तो उसी तरह से आपके ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिकल्स भी होंगे एंड यू आर गोइंग टू लव इट. दिस इज वेरी लाइक लगता है कि हेडेक है या क्या होगा, बट इट इज़ वेरी स्मूथ प्रोसेस. डोंट टेक इट लाइक एन हेडेक एंड इट इज़ वेरी स्मूथ प्रोसेस एंड यू आर गोइंग टू लाइक लव द ऑनलाइन वे ऑफ एग्जामिनेशन. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. द स्टूडेंट्स विल इंश्योर आपके पास प्रॉपरली मोबाइल पैक मतलब इंटरनेट कनेक्शन हो. कल को आप ये क्लेम ना करें कि मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था. पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन जिसमें भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके पास हो और आपकी वो रिकॉर्डिंग होगी, तो कोई भी चालाकी करने की कोशिश ना करें. आपके फ़ोन में एडोब स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस होना ज़रूरी है. इसमें मैं बता दूँ एडोब स्कैन इज़ वेरी ईजी टू यूज़. इसका ट्यूटोरियल चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है कि एडोब स्कैन को कैसे यूज़ करना है, कैसे पीडीएफ बनाना है. और यहाँ पे आप एक बार वीडियो ट्यूटोरियल ज़रूर देख लें, दो तीन ट्यूटोरियल देख लें इवन अदर यूट्यूब चैनल्स का भी. बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को लगता है हम ये कर लेंगे, हमने पहले किया हुआ है एंड एट दी टाइम ऑफ पेपर कुछ ना कुछ हो जाता है. एंड कुछ गलती करने से अच्छा है कि हम पहले ही सावधान हो जाएं एंड चीज़ें पहले ही समझ कर रखें. एंड एक प्रैक्टिकली भी आप इसको करके देख ले, कोई भी दो चार शीट ले ले और उसको बनाकर देख ले एंड अपने खुद को ही ईमेल करें, अपने फ्रेंड में फैमिली में किसी को ईमेल करके देख ले. सो ये इसमें है. पीडीएफ फाइल आपकी सारे पेजेस की एक बनेगी, ये नहीं है आप एक पेज की बना रहे हो फिर दूसरे की फिर तीसरे की, ऐसे 24 पेज है तो आपने 24 ही पीडीएफ फाइल बनाई है, ऐसा नहीं करना है. टू लर्न वेल बिफोर द डेट ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन हाउ टू स्कैन द आंसर शीट एंड क्रिएट सिंगल पीडीएफ फाइल एक दिन पहले देख लें, जैसा कि मैंने आपको बताया एक बार प्रैक्टिकली खुद करके देख लें. अरेंज फॉर लाइन रूल्ड A4 साइज शीट, तो ये अरेंज कर लें प्रॉपरली जिसपे आप अटेंड करेंगे. एंड मेक श्योर बहुत बड़ी शीट्स आप यूज ना करें बिकॉज कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी हमेशा देखी ही जाती है एग्जामिनेशंस में. तो फिर अब ये डिटेल्स आपको फिल करनी है, इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसका मैंने सैम्पल भी बताया हुआ है शीट पे आपको कैसे लिखना है, शीट आपकी कैसी दिखनी चाहिए. अब 15 मिनट पहले आपको वीडियो ज्वाइन कर लेनी है, एग्जामिनेशन पेपर मिल जाएगा, अपना एडमिट कार्ड और एक फोटो आईडी प्रूफ आपको दिखाना है एंड ये पर्टिकुलरली कोई भी आप स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ना ही अपना कैमरा और ना ही अपना माइक्रोफोन. एंड कोई भी अगर आपको उनको लगता है आपका आई मूवमेंट है या आप चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो डायरेक्टली आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. ये पर्टिकुलरली सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहले ही दे दी थी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से, तो अगेन एंड अगेन रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है. तो मेक श्योर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो फाइल देख ले. हम यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट है कि पीडीएफ फाइल 22 MB से ज़्यादा की ना बने, क्योंकि देखिए उनके पास भी स्पेस इश्यूज आ जाते हैं मेल आईडी में. तो यहाँ पे भी कुछ इसके बारे में एक अलग से वीडियो अटेंड कर लेंगे कि किस तरीके से आप छोटी पीडीएफ फाइल बनाए जो कम MB यूज करे. तो इसके लिए एक ट्रिक होती है, सो डेफिनेटली आई विल गिव यू दैट. एंड किस नाम से आपको पीडीएफ फाइल सेव करनी है, अपने डेट ऑफ बर्थ के नाम से, डीडी, डेट, मंथ एंड ईयर. लाइक मैं अपना बताती हूँ, आई वॉज बॉर्न इन ऑन 1st May, तो मैं यहाँ लिखूंगी 01 05 एंड ईयर 90, वट एवर द डेट ऑफ बर्थ आई हैव ईयर आई एम हैविंग दैट आई विल मेंशन हियर. फॉर एग्जाम्पल 90 90, तो 1990 है तो आप लास्ट के टू लिखेंगे, 1990 है तो सिर्फ 90 लिखेंगे एंड देन एक हाइफन लगाएंगे एंड देन यू विल राइट योर पर्टिकुलर रोल नंबर एंड डॉट पीडीएफ आपका रहेगा, तभी वो पीडीएफ फाइल आपकी होगी. पर्टिकुलरली डॉट docx ये सब ना हो, लाइक वो वर्ड पैड का आपका फॉर्मेट होता है वर्ड फाइल का, सॉरी, तो डॉट पीडीएफ होना ही ज़रूरी है. कहीं नाम चेंज करते वक्त आपका डॉट पीडीएफ ना चला जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखें क्योंकि ये भी पहले हुआ है स्टूडेंट्स के साथ. सो स्पेसिमेन आंसर शीट हमने पहले भी आपको दिखा दी थी किस तरीके से रहेगी, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं. सो ये नोटिफिकेशन था. इसी तरह का नोटिफिकेशन वेबसाइट पे अपलोड किया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए डाल दूंगी तो आप वहां से देख सकते हैं.
So thank you for watching this video and all the best to all the MH students. Videos, lectures, channel पे जल्द ही upload हो जाएंगे जितने भी बचे हैं. हम classes start कर चुके हैं. So all the best and अच्छे से अपने एग्जाम दें. एंड नोट्स चाहिए हो अगर आपको पर्टिकुलरली एमएड के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को, एमडी यूनिवर्सिटी एंड और किसी यूनिवर्सिटी की भी. इवन चाहिए हो तो वी हैव लाइक एमएड नोट्स फॉर एवरी यूनिवर्सिटी, सो यू कैन कांटेक्ट द सेल्स एग्जीक्यूटिव. थैंक यू.